लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करके इस पर बहस तेज कर दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का हिस्सा मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ निशाना साध रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर बड़ी बात कही है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ से खास इंटरव्यू में देश के कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। इसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि धर्म आरक्षण प्रदान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज़ जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे। उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो था सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियाँ आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, और एक प्रकार से समाज एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला, और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है। और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूँ। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूँ, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं डे वन से कह रहा हूँ कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको, और कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है उनके भी गरीब लोग हैं उसमें हकदार है, मतलब हक नहीं छीन रहे, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जहां तक आदिवासी और दलित का सवाल है, इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है, और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है। और जो संविधान ने सही निर्णय किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने सही निर्णय किया, और जो आज भी देश उसका रिस्पेक्ट करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है, और मैं नहीं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगी। यानी आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमान मुसलमान करने वालों के विरोधी है। मैं ये धर्म के आधार पर वोट बैंक के खेल जो खेले जाते हैं ना, अब उन्होंने इस बार मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो ठेके देंगे वो ठेके इस पद्धति से देंगे। ये देश कैसे चल सकता है जी? ठेका दिया जाता है कि उनकी क्षमता है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं,
एक्सपीरियंस है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, सरकार के कामों को करने का उनका तब, ये सारे चीजें देख करके ठेका दिया जाता है। अब आप कहते उसमें भी आरक्षण होगा और वो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। पीएम मोदी के बाद मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात कही है। सीएम योगी ने यह प्रतिक्रिया लालू यादव के आरक्षण वाले बयान के बाद दी है। हम आपको सीएम योगी का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव का वो स्टेटमेंट सुन लीजिए जिसके बाद सियासी भूचाल आया है। कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल गई। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन का मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव के इसी बयान के बाद सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है। यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के खिलाफ थे। आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा और जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार मर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। कह सकते हैं कि लालू यादव जैसे लोगों का बयान है बिल्कुल तुष्टीकरण के एकदम साफ। देखिए भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को, जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। नेताओं के बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा चुनावी माहौल में गर्मी और ज्यादा बढ़ाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।